नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो व्याकरण में हमने समास पढ़ा और समास के पश्चात पढ़ेंगे हम पदबंध। पदबंध क्या होते हैं? पदबंध आपके पिछली बार को नहीं था कोर्स में, लेकिन इस बात आपको बेहतर दिया है पदबंध। तो पदबंध सीधा सा है कि जो परिभाषा पढ़ ले आप, जैसे या दो वाक्य में एक ही पद का काम करता है।
जो अनेक पदों में बना हुआ है काव्यास, इस और कलो उसको भी बताओ तो कलो आगे से बना हुआ से बना हुआ एक पाठ्यांश पाठ्यांश एक बार प्यास जो आगे में आगे में एक भी काम करता है काम करता है काम करने वाला अनेक लोगों के योग से बना हुआ एक पद एक वाक्यांश वाक्य का अर्थ जो वाक्य में एक ही पद का काम करता है ये पदबंध कहते हैं। ये भी इसी परिभाषा हो सकती है अनेक पदों के योग से बना हुआ एक वाक्यांश एक ही वाक्य में पद का काम करता है ये पदबंध कहते हैं। ठीक है भाई ओके स्पष्ट परिभाषा से पदबंध प्रकार प्रकार से पदबंध पांच तरह के होते हैं। प्रकार के पांच प्रकार के याद रखना पदबंध के प्रकार है पांच प्रकार। पांच प्रकार के पदबंध पहला है संज्ञा पदबंध है संज्ञा पद पद दूसरा है सर्वनाम पदबंध तीसरा है विशेषण पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध और पांचवा है क्रिया पद क्रिया पदबंध समझ में आ गई। पदबंध पांच प्रकार के होते हैं सर्वनाम पदबंध संज्ञा पदबंध पहला दूसरा सर्वनाम पदबंध आप जानते हैं सर्वनाम पदबंध का संज्ञा पदबंध के सर्वनाम पदबंध है विशेषण पदबंध है क्रिया पदबंध के क्रिया सूत्र पदबंध अर्थात यहाँ काले काले मोटे खान की जो अक्षर है वहां तक लाई जाती है आपसे बात की आप संज्ञा पदबंध है विशेषण पदबंध है
मेरे
बन गया, बन गया। इसमें जो मोटे शब्द है आराम से लो, आधे शब्द है रिमांडिंग है, मेरे बचपन का साथी पर्स पर्स बन गया, इंजीनियर बन गया। पूछा आपसे इस बात के लिए संज्ञा पद बताइए, मेरे बचपन का साथी पर्स अर्थात ये धंधा जब कर रहा है संज्ञा का हो रहा है तो क्या कहेगा संज्ञा पद। आसमान में जुटा हुआ गुब्बारा, आसमान में जुटा हुआ गुब्बारा आ गया। प्रोडक्शन है रेखांकिता है आसमान में उठा हुआ गुब्बारा, यहाँ पे रेखांकित किया गया है, यहाँ पे रेखांकित किया गया है इसमें कौन सा प्रबंध है तो आप बताएंगे संज्ञा प्रबंध। किसी नाम व्यक्ति वस्तु के नाम को हमारे यहाँ संज्ञा कहते हैं, जैसा साजा बड़ा हो गया आदि संज्ञा पद है। ठीक है, और देखो देश में रहने वाला मोहन, देश में रहने वाला मोहन मोहन कल आएगा, कल आएगा। अगले वर्ष में इसमें है देश में रहने वाला मोहन भी संज्ञा करता काम कर रहा है, संज्ञा और कला भी किसी प्रकार के रूप में आदि तो कला आएगा, कला आएगा, आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर भारतीय वाक्यांश का नाम से संज्ञा का काम संज्ञा बन रहा है पर नाम और नाम जानते हैं आप तो नाम पर बैठे हैं, अर्थात जो नाम जो सब किसी व्यक्ति विशेष के साथ आता है वो सर्वनाम कहलाता है, अर्थात यहाँ भी जो भाव जो वाक्यांश जो वाक्य पद किसी वाक्य किसी नाम संज्ञा के स्थान पर आ रहा हो के सामने उसके नाम के स्थान पर आ रहा हो उसको सर्वनाम के नाम से प्रबंध कहा जाता है। नाम का काम करने वाला काम करने
अर्थात इसमें पूरा वाक्य खंड किसी सर्वनाम शब्द से संबंधित है। लिखो शेर के सामने उदाहरण लिखो शेर के समान समान बहार में वाले तुम क्या है आप हो रहे हैं हाँ कहे हो ठीक है। यहां यहां से हमने क्या है इसका अद्भुत बताइए तक देखा कि क्या तुम लाइक है और तुम क्या हुआ है तुम सर्वनाम है तुम में वह कोई कुछ शब्द होते हैं वो कह रहा हूं सर्वनाम बना दो तो मैं अपना पकड़ा इसे अपमान कर सकता है बड़ों का सम्मान करने वाला मैं अर्थात मेरी के नाम से सम्मान कर रहा हूं तो यह वाक्य हुआ सर्वनाम पदम है सर्वनाम कोई आया हाँ कोई ना कोई आया देखा कि कोई ने कोई ने कोई कोई ने कोई ना कोई भी राम सर नाम है
नाम आता है विशेषण, कौन सा पद आएगा? विशेषण पद, विशेषण अर्थात क्रिया में विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण पद कहलाता है, विशेषण पद कहलाता है। देखो विशेषण की जगह वाला प्रयुक्त होने वाला क्वेश्चन होता है आगे क्लास होता है आप मुझे सचित्र और क्या चाहिए की जो अचानक है बॉडी तक है चाहिए सचित्र और मोडी चिन्ह पत्र आप सब कुछ आप सचमुच इसका विषय हो सकता है हो सकता है ये से किस शब्दों को कहते हैं एंड हो रहा है या एंड अच्छा वेन।